और यहाँ पे जंगली जानवर का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। भाई एनर्जाई का ड्रोन क्रैश हो गया। गाइस व्यू चेक करो आप लोग यहाँ से, ये देखो भाई आगे वैनम राइडर लीन मारते हुए हम लोग लद्दाख में चल रहे हैं। तो गाइस मैं और शिवम अभी ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ड्रोन ऊपर क्रैश हुआ है। भाई बाइक से किर्री किर्री की आवाज आ रही है। तो गाइस देखो ड्रोन थोड़ा नीचे पड़ा हुआ है, तो अभी शिवम जा रहा है, इसको पेड़ को ही पकड़ लियो। मेरे दोनों कान पड़ गए भाई सुन। ये देखो गाइस लफड़ा पड़ चुका है भाई, हम तो निकल जाएंगे। आगे 9 किलोमीटर पूरा फॉरेस्ट एरिया है। ये देखो यहाँ पे बाइक थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो गाइस अभी हम लोग हैं मुक्तेश्वर और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अल्मोड़ा के लिए। वहाँ पे हम लोगों को जाना है डोकने वाटरफॉल। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं हम लोग यहाँ से निकलते निकलते, अभी भी टाइम हो रहा है 2:40, थोड़ा सा लेट तो है। ट्राई करेंगे आज हम लोग ज्यादा ब्रेक्स ना लें क्योंकि ब्रेक लेने में भाई बहुत ज्यादा टाइम हम लोग खर्च कर देते हैं अपना। तो खाना वाना तो खा लिया हम लोगों ने, खाने के लिए तो कोई ब्रेक नहीं लेने वाले। चाय वाय के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। हम बाइक को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ढलान था तो बाइक इंजन ऑफ पे आ रही थी। हमारी जो मंजिल है वो यहाँ से अप्रोक्स है 40 किलोमीटर। ये देखो गाइस लफड़ा पड़ चुका है, दोनों एक साथ निकाल रहे हैं। ये देखो पानी भाई क्या चल रहा है। ओहो ओहो आगे तो लंबा जाम लगा हुआ है, निकल पाएंगे या नहीं पता नहीं भाई, हम तो निकल जाएंगे। भाई हम तो मस्त आराम से निकल चुके हैं, गाड़ी वालों के लिए थोड़ा सा टेंशन है भाई। अभी ना हर जगह काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है क्योंकि अभी ना समर वेकेशन चल रहे हैं तो सारे लोग घूमने के लिए आते ही हैं। तो भाई इसी सेम रास्ते से हम लोग कल यहाँ पे आए थे। आगे 9 किलोमीटर पूरा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अभी देखो जब चेक पोस्ट पर हम लोग थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि 9 किलोमीटर्स तक रुकना नहीं है, फॉरेस्ट एरिया है। तो गाइस आगे की 9 किलोमीटर्स हमें ऐसे ही ऑफ रोड मिलने वाला है और 9 किलोमीटर्स के बीच कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना ही कोई शॉप, ना ही कोई पंचर वाली शॉप। भाई मैं तो ये सोचता हूँ अगर ऐसे रास्ते में कोई बाइक पंचर हो जाए, खराब हो जाए और बंदा अगर अकेला है तो कैसे ले जाएगा। यहाँ पे आपको इतने ज्यादा लोग भी नहीं दिखेंगे चलते हुए और यहाँ पे जंगली जानवर का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, इसीलिए जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपसे कहा जाएगा कि इस रास्ते के बीच आपको कहीं रुकना नहीं है। ये देखो भाई काफी अच्छी प्लेस है ये, हम लोग कल यहाँ पे रुक गए थे। हम लोगों को पता नहीं था जब हम लोगों ने उधर से एंट्री की थी ना, तो पता नहीं था ना ही किसी ने बताया था कि यहाँ पे रुकना नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड को भेजा गया था, वो आए थे हमें यहाँ से हटाने के लिए। गाइज व्यू चेक करो आप लोग यहाँ से, क्या ही खतरनाक व्यू आ रहा है भाई। आज ना बादल बहुत ज्यादा सही निकले हुए हैं, कल इतने ज्यादा बादल नहीं थे क्योंकि कल ना भाई हिमालय दिख रहा था यहाँ से बहुत ही क्लियरली। कल काफी साफ मौसम था, आज तो एक झलक भी नहीं दिख रही हिमालय की। तो गाइज अगर आपने कल वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। आज तो कुछ भी नहीं दिख रहा हिमालय का। तो यार अपना फॉरेस्ट वाला रास्ता खत्म हो चुका है, अभी हम लोग उस रेंज से बाहर आ चुके हैं। ये देखो भाई आगे वैनम राइडर लीन मारते हुए, अभी ना बाइक का इंजन ऑफ है भाई, बाइक देखो मस्त इतनी तेजी से चल रही है। ओहो अब मैं ले भाई एकदम ऑफ रोडिंग के बाद एकदम प्यारी सी रोड। ओ ओ ओ बम्प बम्प स्पीड बम्प्स, थोड़ा आगे झुक के स्पीड बढ़ा लेते हैं बाइक की। देख रहे भाई कोई भी नहीं दिख रहा रोड, बिल्कुल खाली रोड मिल रही है, खाली रोड, ये प्यारी नजारे।
रुके हुए हैं। ये रास्ता भाई इतना ज्यादा प्यारा मिल रहा है, बाकी के राइडर से पूछते हैं कैसा लग रहा है। बहुत मजे आ रहा है भाई राइड पे। भाई बाइक से किर्री किर्री की आवाज आ रही है। भाई ये ब्रेक पैडल जो है ना, न जाने कितनी बार चल चुका है, मेरा भी और बेनम भाई का भी। ये देखो ये दिख रहा होगा आपको, लीन भाई इतनी प्यारी हो रही है। और ये ना भाई काफी खाली रोड मिल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा व्हीकल्स नहीं है इस रोड पे। और भाई अभी रुके हुए हैं क्योंकि मेरे दोनों कान पड़ गए भाई, सुन अपनी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है, हो सकता है मैं अभी तेज बोल रहा हूँ, अपनी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। छोटा सा ब्रेक लिया है, उसके बाद फिर से अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। बाकी भाई हम लोग 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, इस जैसी रोड अभी तक हमें नहीं मिली है। क्यों भाई? स्वाद आ गया भाई। हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, काफी सारे सिनेमैटिक्स शूट किए हैं, काफी सारी रील्स शूट की हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। जब भी ब्लॉग आ रहा होगा तब तक शायद वो पढ़ भी चुके होंगे, तो ये मेरा यूजर नेम आ रहा होगा, जाओ और जाके रील्स चेक करो। तो गाइस आपने नॉर्मल देखा टायर इतना घिसता है, इतना ब्लैक दिखता है, इतना तक ग्रे दिखता है। अभी जो बाइक के टायर की कंडीशन है वो देखो भाई, पूरा ब्लैक है, यहाँ तक घिस रहा है, मतलब यहाँ तक लीन हो रही है भाई, इतना पार्ट रह रहा है। बहुत ज्यादा लोडेड है, इसको लीन करने का मतलब है खुद को खुद चबाना। तो भाई अनुज भाई के टायर देखो यहाँ तक घिस रहे हैं, क्योंकि अनुज भाई का काफी ज्यादा लगेज है, तो ये बाइक इतनी ज्यादा लीन नहीं हो रही है। और अपनी बाइक का टायर का इतना गैप बचा हुआ है, अगर रौनक नहीं हो डेवल भाई मेरी बाइक पे तो टायर ब्लैक कर दूं पूरा। और तुम बता ये वाली साइड क्यों कम लीन कर रहा हूं, ये वाली साइड क्यों कम है उससे, तो कि इधर ब्रेक लेवर मेरा 13 ऊपर जाता है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ शिवम की बाइक पे, और हम लोगों को जाना है पहले ढोकने वाटरफॉल, उसके बाद हम लोग जो है अल्मोड़ा जाएंगे। तो अल्मोड़ा यहाँ से बचा हुआ 13 किलोमीटर, अल्मोड़ा के लिए वाली रोड जा रही है, ढोकने वाटरफॉल के लिए वाली रोड जा रही है। तो ढोकने वाटरफॉल यहाँ से है 3 किलोमीटर्स, और भाई अभी टाइम हो रहा है बाइक की, बाइक का तो टाइम ही बिगड़ा हुआ है, अभी शायद से 4:30 या 4 बजे होंगे। बाकी यार यहाँ का व्यू चेक करो आप, यहाँ पे भाई काफ़ी ऊँचे ऊँचे पहाड़ है। हाँ वापस इधर ही आना पड़ेगा। अगर हम लोगों को वहाँ कैंपिंग का कोई मिल गया अच्छा प्लेस तो वहीं कैंपिंग कर लेंगे, और अगर कैंपिंग का नहीं मिला तो अल्मोड़ा आ जाएंगे, है ना। अब भाई स्टार्ट हो रही है अपनी यहाँ से ऑफ रोडिंग, यहाँ देख रहे हो भाई कंस्ट्रक्शन चल रही है, एकदम सूखे सूखे पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग लद्दाख में चल रहे हैं। ओ भाई वैनम भाई की लीन, अभी वैनम जा चुका है मेरी बाइक पे। भाई आज ना अपना बैग थोड़ा सा ठीक तरह से नहीं बनाया, तो थोड़ा सा हिल रहा है। ये देखो भाई सूखे सूखे पहाड़, भाई यहाँ पे पहाड़ दिख रहे हो कितने ऊंचे ऊंचे हैं, थोड़े कम नीचे नीचे पहाड़ दिख रहे थे, लेकिन अभी देखो पूरा सिर ऊपर करना पड़ता है। भाई अनुज भाई का ड्रोन क्रैश हो गया। तो गाइस मैं और शिवम अभी ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ड्रोन ऊपर क्रैश हुआ है, लोग अभी चल रहे थे नीचे वाले रास्ते पे, इसको पेड़ को ही पकड़ लियो। भाई शिवम पहुंच तो चुका है, ऑलमोस्ट उसके पास ही पहुंच चुका है ड्रोन के पास, बस 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 पहुंच गया। ये देखो अभी उठाया ड्रोन। सो गाइस अभी ड्रोन तो दोबारा से फ्लाई नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी जो एक पंखड़ी है वो लूज हो गई है, रिमोट में दिखा रहा है, तो उसको मैं ऐसे ही ले जाना पड़ेगा, थोड़ा आगे ले गया मैं पकड़ लूंगा इसे। सो गाइस फाइनली सेफली ड्रोन बाहर आ चुका है, कोई भी टूट फूट नहीं हुई है, एक इसका ये ढीला हो गया कोई सा, ये नीचे चल के देखेंगे, तो फिलहाल उठाते हैं और नीचे चलते हैं, ड्रोन उड़ाना बहुत महंगा पड़ गया। तो गाइस ड्रोन आ चुका है मौत के मुंह में से बाहर, लेकिन ये अच्छी बात है कुछ दिक्कत नहीं हुई। देखो भाई वहां जाके अटका था, वहां ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रही ऊपर जगह, वहां पे जाके अटका था। एक बार को तो लग रहा था कि मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पहले लगा कि यहाँ पे कुछ रास्ता नहीं चढ़ने का, फिर मेरे को दिखा वो, जब वो दिखा तो लगा कि रोड है ऊपर से जंगे जाने का रास्ता, फिर हम लोग आगे गए, आगे उनसे पूछा रोड कहाँ है, फिर उन्होंने कहा कि आगे जाके आपको रोड मिलेगा, फिर हम लोग आगे गए, आगे से फिर एक रोड जाती है ऊपर, तो फिर वो रोड हमें ऊपर लेके गई। गाइस अभी ड्रोन वापस से उड़ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एकदम मक्खन उड़ रहा है। ऑल ओके। तो उन क्रैश होने की वजह से भाई थोड़ा सा लेट हो चुके हम लोग, एक बार को तो लगा था कि ड्रोन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यार काफी ऊपर था, और तब हम लोग को ये पता नहीं था कि ऊपर रोड भी है, फिर उसके बाद देखा रोड वोड लेकिन मिल गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई वाटरफॉल डोकाने, देखो भाई फिर से ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है, स्पीड लिमिट है 20। आगे बादल चेक करो भाई, काले काले बादल हो रखे हैं। सो गाइस डोकाने वाटरफॉल 2 किलोमीटर्स,
तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से। और भाई नीचे जाने तक के लिए काफ़ी ऑफ रोड रास्ता है, यहाँ भी मैं पहली बार आ चुका हूँ तो भाई काफ़ी डेंजरस रास्ता है नीचे तक का। सो गाइस हम लोगों ने अपनी बाइक कर दी है यहाँ पे पार्क। आगे का जो रास्ता है वो हमें ट्रैक करके कवर करना है, अभी हमको नीचे जाना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही होगी आपको वाटरफॉल की। सो गाइस हम लोग काफी करीब हैं वाटरफॉल के, और देखो सामने आपको दिख रहा होगा वाटरफॉल होता हुआ। ये देखो कुछ ऐसा रास्ता मिल रहा है भाई। हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं और सामने का नजारा आप लोग देख ही सकते हैं। तो भाई अब चलते फटाफट पानी के अंदर और एक अच्छी सी बात लेते हैं, जो भी दिन भर की थकान है वो सारी थकान उतारते हैं, काफी ठंडा पानी होगा। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ पानी के अंदर और यहाँ पे ना भाई कुछ मछलियाँ भी दिख रही हैं। तो गाइस पानी में आने के बाद बहुत तेज ठंड लग रही है, ठंड तक तो ठीक है लेकिन हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, उनसे और ज्यादा ठंड लग रही है। नीचे मछलियाँ ना पैरों में मार रही हैं भाई। लास्ट में जाओ, लास्ट में भाई डुबकी मारने का तो मन भी नहीं कर रहा, बहुत ठंडा पानी है यार। तो गाइस अभी चलते हैं अंदर, ठंड तो बहुत लग रही है। बहुत ज्यादा गहरा मालूम पड़ रहा है, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब इतना गहरा नहीं था भाई। मैं लास्ट तक जाना चाह रहा था लेकिन यार अब बहुत ज्यादा गहरा हो गया है। शिवम गया था भी, मेरे को स्विमिंग आती नहीं है तो लास्ट तक जाने का सीन हो नहीं पा रहा। काफी टाइम हो गया नहाते नहाते, अभी बाहर निकलते हैं, काफी तेज ठंड लग रही है। जो भी लोग नहा रहे थे सब लोग बाहर जा चुके हैं, हम ही लोग रह गए। तो गाइस नहाने धोने के बाद अभी हम लोग अपना सामान लेके ऊपर जा रहे हैं। वैसे हम लोग सोच के आए थे कि यहाँ पे कैंपिंग करेंगे लेकिन यहाँ पे एक अंकल रहते हैं, उनसे हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे आप लोग कैंपिंग नहीं कर सकते। कुछ टाइम पहले कुछ लोग आए थे तो आग वाग जला के कुछ लफड़ा करके होंगे, तो अब यहाँ पे मना कर दिया कैंपिंग के लिए। तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे अल्मोड़ा की ओर। अल्मोड़ा यहाँ से है करीब 18 किलोमीटर, तो अभी फटाफट फटाफट निकलते हैं। 6:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, शाम होने वाली है। बाकी आप एक बार यहाँ का व्यू और चेक कर लो, अगर यहाँ पे हम लोग कैंप लगाते थोड़ा टाइम और नहाते, लेकिन अभी हम लोगों को निकलना है तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ रहा है। बाबू गिर पड़े, अरे गिरता पड़ता आ रहा भाई। गाइस रौनक भाई गिर पड़े। अभी हम लोग जाएंगे अल्मोड़ा और बाकी भैया लोग मिले थे यहाँ पे, ये लोग भी खाना वाना बना रहे अपना गाड़ी वाड़ी में मस्त गैस वैस करके। भाई बैग गिर पड़ा, तुमने दोबारा नहीं बांधा? अरे हाँ यार भूल गए हम लोग। भाई मैंने ना ये बैग खोला हुआ था और थोड़ा ऐसे मतलब कॉर्ड बांध दी थी, मैंने कहा था जब आएंगे तब बांध लेंगे। तो गाइस बैग अपना बंद चुका है, टाइम हो रहा है 7:13। गाइस निकलते हैं अब अपनी अगली मंजिल की ओर। गाइस मैं तो आ चुका हूँ, अनुज भाई और शिवम भाई बचे हुए हैं। ये देखो धूल ही धूल हो गई है, अभी देखो यहाँ पे बाइक थोड़ी सी डिसबैलेंस होगी, धूला नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है। ये देखो यहाँ पे बाइक थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है। तो गाइस इस बी को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है, अल्मोड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। सो गाइस अभी हम लोग अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं भाई अगर कैंपिंग की कोई जगह मिलती है सेफ तो कैंपिंग करेंगे, अदरवाइज रूम लेंगे और फिर रूम में रुकेंगे। सो गाइस मैंने आपको बताया था कि पहले कैंपिंग की जगह ढूंढते हैं, तो कैंपिंग की तो जगह नहीं मिली तो हम लोगों ने अल्मोड़ा में रूम ले लिया, सामान वगैरह वहाँ पे रख दिया है। अभी हम लोग आए हैं खाना पीना खाने के लिए, ये देखो अनुज भाई बाइक भी लेके आए। अगर यहाँ पे होटल वगैरह बंद हो गए होंगे तो फिर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, होटल हमारा जस्ट पास में ही है भाई। 9:30 बज चुके हैं, अंकल बता रहे थे होटल वाले 9:30-10 बजे तक मार्केट क्लोज हो जाता है, तो अभी ढूंढते हैं भाई कोई रेस्टोरेंट वगैरह खाना पीना खाने के लिए। सो गाइस खाना अपना लग चुका है, आज हम लोगों ने लिया अरहर की दाल दम आलू बटर रोटी, खाते हैं पीते हैं उसके बाद रूम में निकलेंगे सोएंगे, क्योंकि सुबह हम लोगों को यहाँ से निकलना भी है, टाइम भी हो रहा है, खा पी के निकलते हैं।